हे हेलो एवरीवन, बहुत दिन बाद आज एक नए व्लॉग में आप सबका बहुत सारा वेलकम है। तो देखो भाई, ठंड वंड थोड़ी सी लगेगी, क्यों लगेगी बता दें, क्योंकि हम लोग हैं घर पे। तो यहाँ से हम लोग सीधा निकल रहे हैं लखनऊ, और निकलेंगे तो पकड़ेंगे रास्ता पूर्वांचल एक्सप्रेस। और पूर्वांचल एक्सप्रेस पर तो कैमरा मैन लग गया है यार, बहुत कुछ हो गया, तो सोचा एक डिटेल्ड वीडियो पूर्वांचल एक्सप्रेस पे की बनवा दी जाए इनसे, भाई साहब से कह के इनको, क्योंकि ये इधर थोड़ा आप लोग को जैसा कि पता है अभी लास्ट वीडियो में भी देखा होगा कि बाबा जी के साथ पुरानी वीडियो आपने देखी होगी इसके पहले वाली, तो उसी नाते कई दिन तक कुछ मन नहीं किया करने का। तो आज घर से हम लोग निकल रहे हैं अभी लखनऊ के लिए, और जो जो मतलब जितना भी डिटेल्ड रिव्यू हो सकता है भाई, 80 किलोमीटर ही है यहाँ से लखनऊ हमारे यहाँ से, तो उतनी एरिया में जो जो रिव्यू दिया जा सकता है वो देंगे, वो ये प्रयास करेंगे देने का। बाकी हम तो भाई अपनी बाइक से निकलेंगे दोनों लोग। देखो भैया, अपना सामान वामान हो गया है पैक, एक बैग टांग लिया हूँ, ये दो बैग, ये वाला बैग बीच में रहेगा। हाँ वो तो पकड़ेंगे बीच में। गूगल, अच्छा अच्छा, इधर देखो, चढ़ा लो चढ़ा लो। चलिए भैया निकलते हैं, पहले गाड़ी में हवा चेक कराते हैं, तेल उल डलाते हैं, फिर उसके बाद आप लोगों से सीधे मिलते हैं पूर्वांचल एक्सप्रेस में। पहुंच गए हम लोग पूर्वांचल पे, और ये जो सड़क देख रहे हो ये सीधे निहालगढ़ होते हुए रायबरेली निकल जाती है, और आगे ही कट के मिल जाती है लखनऊ में, उधर वाराणसी चली जाती है, और ये रहा अपना पूर्वांचल का स्टार्ट। यहाँ से हम लोग पहले क्या था कि ये नहीं बना था, तो उधर से उल्टी लेन में जा करके चढ़ते थे, तो अब ये बन गया, तो इधर से हम लोग राइट वे होते हुए पूर्वांचल पे चढ़ते हैं। और फिर चलिए, वो सामने पूर्वांचल का ब्रिज दिख रहा है ऊपर, और ये इधर लेफ्ट चले जाओगे तो गाजीपुर निकल जाओगे, इधर चले जाओगे तो लखनऊ, यहाँ से 80 किलोमीटर दूर। तो चलिए चलते हैं। तो भाई जहाँ से आप पूर्वांचल पे चढ़ते हो तो आपको एक एंट्री टोल मिलता है, और जहाँ पे उतरते हो तो एग्जिट टोल। तो जब हम लोग चढ़ते हैं 80 किलोमीटर पे, तो हमारा एंट्री टोल ये है, और यहाँ से हम लोगों का जो टोल लगता है, टैक्स हम लोगों का 85 रुपये, मतलब 85 रुपीज़ हमें यहाँ पे बाइक का जमा करना है, और 170 रुपये आपका गाड़ी का लगता है फोर व्हीलर का। तो चलते हैं, इधर टोल कटाते हैं और फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगर आपकी बाइक में फास्ट टैग नहीं है तो आपको कुछ इस तरीके की रिसीट मिल जाएगी, और एग्जिट टोल पे आपको उसे दिखाना पड़ेगा। टोल पार करने के बाद आपको दो रूट मिलते हैं, लेफ्ट चले जाओगे आप तो गाजीपुर, या फिर राइट में सीधे लखनऊ। लेकिन अपनी ट्रिप जो है आज सिर्फ लखनऊ तक ही होगी। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे जो 22,494 करोड़ का प्रोजेक्ट है, वो UPDA ने बनवाया है। इस 341 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेस वे पर 3.2 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी पर IAFC-130 हरकुलिस प्लेन से लैंड कर PM नरेंद्र मोदी जी ने इस एक्सप्रेसवे का इनॉग्रेशन किया था। अभी भी इस एक्सप्रेसवे पर काफी काम चल रहे हैं, वो चाहे CCTV कैमरास हो या फिर डिवाइडर पर फूल लगाना हो। आप सबको इस एक्सप्रेसवे के दोनों तरफ काफी ज्यादा ग्रीनरी देखने को मिलेंगे, बहुत ही खूबसूरत नजारे देखने को मिलेंगे इधर। जगह जगह पे आप सबको स्पीड लिमिट वार्निंग के बोर्ड मिलेंगे। ये रूट गोमती रिवर के ऊपर से जाता है, जो कि बहुत अच्छा लगता है देखने पे, यहाँ पर रुककर आप फोटोशूट भी कर सकते हैं। मैंने आपको जैसा बताया कि इस पर अभी भी काफी काम चल रहा है, स्पीड अलर्ट बोर्ड हो या फिर और भी सारी चीजें। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर आपको रिफ्यूलिंग के लिए पेट्रोल पंप मिलेंगे, जो कि अब एक्टिव हो चुके हैं। इस रूट पे आपको रिफ्रेशमेंट एरियाज भी मिल जाएंगे। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे लखनऊ से होकर बाराबंकी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ से होते हुए गाजीपुर तक जाती है। आपको ट्रांसपोर्टेशन की पूरी फैसिलिटी मिलेगी, वो चाहे AC बस हो या नॉर्मल बस। ओवर स्पीडिंग
और इनसे सावधान रहें वरना आपका हाल कुछ इस तरह से हो सकता है। किसी भी तरह की इमरजेंसी के लिए पुलिस हमेशा तैनात है इस रूट पर। लखनऊ पहुंचने से 25 किलोमीटर पहले आपको एक और रिफ्रेशमेंट एरिया मिल जाता है। लंबा चूना लगा भाई को। तो ये आ गया अपना एग्जिट टोल और यहां पर हम वही रिसीट दिखा करके एग्जिट करेंगे जो हमें एंट्री के टाइम पर मिली थी। तो भाई एग्जिट टोल अभी खत्म हुआ हम लोगों का 6 किलोमीटर पहले और अब सिर्फ 2 किलोमीटर का और रह गया ये पूर्वांचल एक्सप्रेस। 1 किलोमीटर दूर यहाँ से हम लोगों का एग्जिट है तो एग्जिट करते हैं मेट्रो गोसाईगंज मोहनलालगंज और लखनऊ का। तो बताना यार वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, जितनी डिटेल हो सकती थी 80 किलोमीटर मैंने आप लोगों को दी। भाई यार ओवर स्पीडिंग मत करो, एक फॉर्चूनर आप लोगों ने देखी तो भाई बहुत गड़बड़ होता है, कई हादसे हो चुके हैं। हम लोग तो यार बहुत पहले से इस पर चल रहे हैं तो कभी कभार 2-4 मिनट में एक गाड़ी निकलती थी, अब तो बहुत सारी गाड़ियाँ चलने लगी है। तो बस चलिए, गजब की सड़क है। जहाँ तक ये वीडियो जा रही भाई लाइक करना शेयर करना और बताना आप लोग जो पहले चले हो या नहीं चले हो, जो बाहर वाले इधर एरिया वाले तो चलते ही हैं। तो ठीक है, मिलते हैं किसी और वीडियो में, मस्ती करते खाते पीते घूमते चलते, चलिए।